तो भाई लोग सभी लोग का स्वागत है आज की एक नई वीडियो के अंदर। मेरा नाम है जी और आप लोग देख रहे हो ट्विटर यूट्यूब चैनल। और आज ये वो लोग खेलने वाले हैं वापस से एक और बार ट्रेडर लाइफ सिमुलेटर। और ये होने वाला है ट्रेडर लाइफ सिमुलेटर का पार्ट टू। जैसे कि हम लोगों ने पार्ट वन के अंदर ना बेड लगाया था एंड उसके अलावा बहुत सारी चीजें खरीदी थी। इस गेम के अंदर हमारा एक शॉप होता है जहाँ पे हम लोग चीजें बेचते हैं, खरीदते हैं और झलसा मारते हैं। तो आज अपन लोग यही चीज को कंटिन्यू करने वाले हैं और ढेर सारी चीजें बेचेंगे भी और नई भी लेंगे। वैसे मेरे को ना अभी सुसु लगी हुई है, आप देख सकते हो राइट साइड में यूरिन है, वो 39 हो चुका है। तो अभी के लिए मैं सुसु कर लेता हूँ पहले एंड उसके बाद अपन लोग जाने वाले हैं सीधा शॉप पे। आ जाओ तो सुसु कर लेते हैं। अरे भाई सुसु कर ले यार, क्यों नहीं कर रहा भाई सुसु? ओके चलो सुसु हो गया। मतलब गेम के स्टार्टिंग में ही हमने सबसे पहले सुसु किया, देख रहे हो। अब आई थिंक मेरे पास ना टॉयलेट था, अपनी बात सॉरी टॉयलेट नहीं बात, तो मेरे को ना बात लगाना होगा। और मेरा जो डर्टनेस है ना, डर्टीनेस आप देख सकते हो वो है 85। तो मेरे को नहाना धोना होगा, तो मैं नहा लेता हूँ पहले। तो ये लगा दिया यहाँ पे अपना नहाने के लिए, क्या बोलते हैं इसको, बात। अब इधर अपन लोग नहाने वाले हैं तो चलो नहा लेते, और क्या। तो अभी मैंने नहा भी लिया है और मेरा जो डर्टनेस है वो हो चुका है 0। अभी मेरे को खाना चाहिए क्योंकि खाना हंगर हमारा 50 हो चुका है और घर पर हमारे पास कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो खाने के लिए हो। तो अपन लोग जाने वाले अभी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, तो आ जाओ रेस्टोरेंट के लिए निकलते हैं। अब आए दरवाजा ओपन हो जाए, चलो। अपना गाड़ी किधर गया? ये रहा अपना गाड़ी। और कस्टमर को अपने वहाँ पे ना नो बीन्स, मतलब बीन्स नहीं मिले हैं, तो एक ये भी समस्या है। मैंने लास्ट टाइम बैंक से एक लोन लिया था $1000 का, जिसमें से अभी भी मेरे पास $800 के आसपास पड़ा हुआ है। और अपन को धंधा बड़ा करना होगा वरना भाई पैसों के बिना क्या ही काम होगा। चलो बताओ मेरे को यार, आ जाओ एक मिनट, यहाँ पर गाड़ी रोकते हैं। और रुक दी गाड़ी, अभी इधर गाड़ी से नीचे उतरना होगा और खाना खा लेते हैं। रेस्टोरेंट अपन लोग आ चुके हैं भाई, फटाफट चलो यार, अभी फिर शॉप के लिए भी तो निकलना है। इधर है भाई, ये रहा अपना मालिक इस रेस्टोरेंट का। भाई खाने में क्या है तुम्हारे पास? मैं इस बार पिज़्ज़ा खाने वाला हूँ, जिसे मैंने लास्ट बार बोला था कि मेरे को पिज़्ज़ा खाना है। 65 का है और मैंने पिज़्ज़ा खरीद लिया है। अपन लोग रखने वाले पिज़्ज़ा यहाँ पे, और पिज़्ज़ा रखने के बाद खाना खा लेते हैं। चलो पिज़्ज़ा खा लेते हैं। और पिज़्ज़ा खाने के लिए एक खा लिया पिज़्ज़ा। हमारा जो हंगर था ना वो हो चुका है 0, मतलब अपन का पेट पूरा का पूरा फुल हो चुका है। अरे भाई ये बाहर निकलने का रास्ता किधर गया? ये रहा, मैं गलत चला गया था थोड़ा। आ जाओ वापस गाड़ी लेके जाते हैं शॉप पे। गाड़ी लिया, गाड़ी को घुमा लेता हूँ थोड़ा सा ना, इस तरीके से घुमाना होगा वरना बहुत गंदा सीन हो जाता है, पता है। लास्ट टाइम अपन ने गाड़ी ड्राइविंग बहुत ख़राब किया था, सच बताओ तो बहुत ज़्यादा ख़राब किया था। हमारे पास ना सनस्क्रीन जो थी वो भी सोल्ड हो चुकी है $14 में। मतलब चीज़ें सोल्ड हो रही है, ऐसा नहीं है कि अपनी शॉप चल नहीं रही है। शॉप तो बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है, अपनी शॉप से लोग सामान भी खरीद रहे हैं। बट मेन वही है, और भी चीज़ें लानी होगी क्योंकि बहुत सारी चीज़ ऐसी है जो अपनी शॉप से कहीं सारे लोगों को नहीं मिली है। तो यहाँ पर रख देते हैं अपन लोग पहले गाड़ी। ओ गाड़ी ठोक दी, गाड़ी ठोक दी गलती से भाई, स्टार्ट हुआ नहीं और गाड़ी ठोक दी। चलो अभी नीचे उतरता हूँ। और यहाँ पे ना ये कोई दुकान है, यहाँ पे क्या है, यू कैन बाई स्मार्टफोन फॉरम स्मार्टफोन। मेरे को स्मार्टफोन अभी नहीं चाहिए है, मेरे को स्मार्टफोन नहीं खरीदना है। उसके अलावा यहाँ पे है फूड, तो मैं फूड अभी के लिए इधर से नहीं खरीदने वाला हूँ। मैं बाद में फूड खरीदूंगा जब मेरा हंगर ज़्यादा होगा, बट अभी के लिए मैं शॉप पे आ चुका हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो अभी भी बिकी नहीं है। पहले तो मैं कलेक्शन यहाँ से उठा लेता हूँ। कलेक्शन मेरा हो चुका है $431 का, मतलब काफ़ी अच्छा वाला अपन ने बिजनेस किया है। एंड उसके अलावा कोई चीज़, एक और कस्टमर आया है, आई होप उसको जो भी चीज़ चाहिए वो मिल जाए। डायपर वगैरह अपना जो है ना वो बिक रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर का जो यहाँ पे इसको बोलते, क्या बोलते हैं पता आपको, इसको बोलते हैं, मैं भूल गया इसका नाम। अपन लोग ना इन्वेंट्री ओपन करते हैं अपने पास, वैसे भी रेक, हाँ रेक बोलते हैं। और मेरे पास अभी भी एक और रेक मैं खरीद के लाया हूँ, और इस रेक को मैं इधर की साइड रखने वाला हूँ इसके एग्जैक्ट पास में, क्योंकि अपन को थोड़ा बिजनेस बढ़ाना है और चीज़ें ज़्यादा खरीद के लाया गया तो ज़रूरी है कि अपने पास दो रेक हो और ज़्यादा चीज़ को अपन लोग शॉप में रख पाए। अभी देखो यहाँ पे ना एक ये जगह है स्टोरेज रूम है, यहाँ पे एक सीडी थी जो कि लास्ट टाइम मैंने नहीं देखी थी, तो अभी इसको ना मैं लेने वाला हूँ और यहाँ पर रख दूंगा ताकि मैं इसके जो तीसरे माले पर है ना चीज़ें रख सकूँ, वरना मैं तीसरे माले पर चीज़ रख नहीं पाऊँगा। तो इसको रख देता हूँ इधर, अभी इधर ऊपर चढ़ के यहाँ पर मैं चीज़ों को रख सकता हूँ। तो आ जाओ थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ से उठा लेते हैं और ऊपर रख देते हैं। धीरे धीरे टाइम लगेगा इसको लगाने में, बट आई होप मैं रख दूंगा। इधर एक लगा दिया, एक पैकेट, अभी और भी पैकेट है, बहुत सारे पैकेट है। तो इन सभी चीज़ों को अपन लोग लगाने वाले यहाँ पे ऊपर, ताकि बेचना बिकना स्टार्ट हो जाए। ये लो एक और लगा दिया इधर, एक के ऊपर एक रख देंगे, कोई इशू नहीं है। एक के ऊपर एक रखने में आई थिंक तो कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर इसके ऊपर रख सकता हूँ क्या? हाँ रख सकता हूँ, देखो
वो इधर भी तो रख सकता था ना, ये रख दिया इधर देखो ऐसे। अभी भी अपने पास जगह बहुत सारी, ऐसा नहीं है कि जगह नहीं है। तो बाय द वे गाइस, आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया ना, वीडियो को लाइक कर देना, ये वीडियो भी बहुत एपिक जाने वाला है। एंड उसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर देना, बट लाइक जरूर कर देना। बाकी मैं चीज़ों को ना यहाँ पे रख देता हूँ एंड उसके बाद अपन लोग बातचीत करते हैं। तो भाई लोग यहाँ पे ऑलमोस्ट हमने सामान रख दिया है और यहाँ पे रख देते हैं लास्ट वाला सामान। एंड उसके अलावा ना यहाँ पे मुझे एक नोटिस मिला है कि अपने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। आई थिंक हमने बिल पे नहीं किया है इस वजह से हो रहा होगा, बट देख लेते हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो भाई ये तो दिक्कत वाली बात है, और वैसे भी मेरे को इलेक्ट्रिसिटी का ना बिल तो देना ही होगा। अभी यहाँ पे अपन लोग देख लेते हैं कि ऑटो पे इलेक्ट्रिक बिल। हाँ तो अपन लोग ना बिल दे देते हैं पे इलेक्ट्रिक बिल, $150 है भाई साहब, मतलब क्या गजब बंदे है यार ये। इलेक्ट्रिसिटी बिल हमें $150 देना है भाई, मतलब पागल हो क्या। और ATM के अंदर पैसे होने चाहिए, हाँ एड फंड्स टू वीजा कार्ड यूजिंग ATM, ओके। तो आज अपन को ना पहले तो ATM के अंदर पैसे डालने होंगे एंड उसके बाद ही अपन लोग जो है यहाँ पे डाल सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर सकते हैं। तो अपन आ चुके हैं बैंक पे, और बैंक पे आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले तो इससे बातचीत करते हैं और वीजा कार्ड के अंदर अपन लोग डलवा देते हैं कुछ पैसे। लाइक मेरे पास $1,152 पड़े हुए हैं, तो इसमें से अपन लोग $300 डलवा देते हैं, मतलब 3-4 दिन का तो अपना हो ही जाएगा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसका। तो यहाँ पे यू डोंट हैव दिस अमाउंट, ओके। तो सबसे पहले तो हमें बैंक में डालने होंगे पैसे एंड उसके बाद अपन लोग डाल सकते हैं इसके अंदर, मतलब ये जो ATM है उसके अंदर। तो अभी ATM के अंदर मैंने डाल दिया $300 एंड उसके अलावा अलग से $100 मैं अपने बैंक अकाउंट में रखना चाहूँगा, ताकि अगर वर्कर को सैलरी वगैरह पे करना हो तो अपन लोग पे कर सके। तो यहाँ पे ये भी हो गया। हमारी शॉप के अंदर अपन लोग जाते हैं जिसका नाम है टोटल गेमिंग, और देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें अपन को चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ना मैंने ज़्यादातर चीज़ों को सेल कर दिया है। अभी टाइम आ चुका है हमें और भी चीज़ें खरीद के लाने का, क्योंकि अपने पास $752 पड़े हुए हैं और इससे बहुत सारी चीज़ों को हम लोग खरीद सकते हैं। पहले ना मैं कैश कलेक्ट कर लेता हूँ, मेरे पास अभी भी $292 मुझे मिल चुके हैं कैशियर से। तो अभी इसको लेके जाने वाले अपन लोग जावेर शॉप से, और जावेर शॉप आई थिंक उसका नाम ना जावेर या जावेर शॉप था। हो जा भाई मैप ओपन हो जाए यार एक मिनट को, यहाँ से ही रास्ता था जहाँ तक मुझे पता, इधर से अपन को जाना है जावेर शॉप। और नो बीफ, ओके। एक और चीज़ यहाँ पे अपने शॉप पे नहीं है, तो एक कस्टमर चला गया है, तो वो भी चीज़ों का अपन को जुगाड़ करना होगा। नीचे उतरते हैं, मैप को करते हैं ओपन, और हमें जाना है जावेर शॉप, और जावेर शॉप से बहुत सारी चीज़ें खरीदनी है। और जावेर शॉप जो है वो कहाँ पे है, यहाँ पे अपन लोग आ चुके हैं, फर्नीचर की दुकान यहाँ पे है एंड उसके उस साइड पे जावेर शॉप है। तो आ जाओ गाड़ी में बैठो, मैंने रास्ता देखा हुआ है, वहाँ पे सीधा निकलते हैं। और ये एरिया जो है मतलब मेन खाउदरा गली कैसे होता है वैसा, यहाँ पे सभी चीज़ें आपको मिलेगी, शॉपिंग हो गया एंड उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, और एकदम प्रोफेशनल एरिया है। बैंक भी है अपने शॉप के सामने ही है, तो उससे ज़्यादा अपन को क्या ही चाहिए। अब यहाँ पे अपन लोग आ चुके हैं गलत रास्ते पे, तो अपन को वापस मुड़ना होगा, क्योंकि फ्लो में मैं इधर गाड़ी मोड़ दी, जो कि यहाँ पे हमें जबकि आना नहीं था। अभी अपन को जाना इधर से सीधा आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे ये वाला जो रास्ता है ना, ये वाला, अब यहाँ से अपन को जाना है सामने की साइड, इधर की साइड। और एक मिनट रुकना, ये वाला रास्ता आई होप मैंने सही चूज़ किया हो, जो जावेर शॉप जाने का रास्ता है वो वाला। और ड्राइविंग मेरी काफ़ी हद तक सही हो चुकी है, मानो या ना मानो, अपन लोग आ चुके हैं यहाँ पे जावेर शॉप पे, जहाँ पे अपन को आना था। मतलब अपन को मैप जो है थोड़ा बहुत तो याद हो चुका है, जो कि एक वाकई में दमदार बात है। गाड़ी को रख दे के अपन लोग ना इधर गाड़ी को रख देते हैं एक मिनट, ओके। अब नीचे उतरते हैं और जो भी चीज़ अपन को चाहिए वो खरीद लेते हैं। और सबसे बढ़िया बात है कि हमने बैंक अकाउंट जो ATM है उसके अंदर $300 डाल दिए, बट अब तक हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं दिया है। तो पहले शॉप पे जाके इलेक्ट्रिसिटी बिल देना होगा, क्योंकि मेरे को क्या लगा पता है कि हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल दे दिया है बट अभी तक हमने नहीं दिया है। अब लोग केक खरीद सकते हैं एंड उसके अलावा ये भी बहुत सारी चीज़ें जिसको खरीद सकते हैं, बट अभी खरीदने का कोई फायदा है नहीं। अब लोग मेन खरीदने वाले हाई प्राइस तो नहीं देंगे, गुड प्राइस इसके अंदर देख लेते हैं। $37 हमें देने होंगे, और $45 मतलब आई थिंक $3-4 तो नहीं, मतलब $5-7 का कुछ तो मुनाफा है इसके अंदर। करंट प्राइस है $153 नॉर्मल प्राइस, भाई बहुत ज़्यादा, इसको मैं नहीं लेने वाला हूँ। एंड उसके अलावा ये भी कोई फ़ायदा इतना ज़्यादा देने वाले नहीं है। अभी $30 में ये नहीं चाहिए अपन को, थोड़ा ज़्यादा मुनाफा हो ऐसी चीज़ें मिलेगी ना तब खरीदेंगे, वरना कोई फिर फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे ये चीज़ का प्राइस बहुत हाई है, अभी इसका भी बहुत ज़्यादा हाई है। मैंने लास्ट टाइम तुम्हें ना प्राइस देखना सिखाया था, तुम लोगों को याद होगा जो करंट प्राइस है लेफ्ट साइड में, करंट प्राइस वो है कि अपन कितने में खरीदेंगे, अपन जितने में खरीदने वाले वो करंट प्राइस है,
और अपन जिसको बेचेंगे मतलब जो कस्टमर होगा वो नॉर्मल प्राइस जो है वो है अपन कस्टमर को कितने में बेचेंगे, मतलब अपन ने $36 में लिया और $33 में कस्टमर को बेच रहे हैं तो भाई उसमें अपना नुकसान ज़्यादा है। अब यहाँ पे नटी चॉकलेट जो कि मैं नहीं लेने वाला हूँ, नोटी चॉकलेट है आई थिंक, नटी या नोटी जो भी है, मेरा इंग्लिश वैसे भी कमज़ोर नहीं है बट मैं इस तरीके से पोस्टमार्टम करता रहता हूँ। अब यहाँ पे $45 नहीं यार, $34 नहीं देना, कोई मुनाफा नहीं है इसके अंदर, कितना मुनाफा है 50, भाई साहब पागल हो क्या, इतना ज़्यादा कौन देगा भाई, ये भी नहीं खरीदना है, जिसके अंदर ज़्यादा मुनाफा वो चीज़ खरीदेगे। वैसे आई थिंक ये वाला फ़ायदा मेरे को लग रहा है तो इसको एक बाय कर लेते हैं एक बक्सा, जो कि मतलब ज़्यादा कोई प्रॉफिट नहीं है बट एंड द एंड अपन को ना यहाँ पे आए हैं, अपन ने अपना पेट्रोल भी थोड़ा सा इधर उधर किया है तो ये तो करना ही होगा, कोई ना कोई चीज़ें खरीदनी होगी। मैं टॉयलेट क्लीनर खरीद लेता हूँ क्योंकि टॉयलेट क्लीनर भी अपने पास नहीं है, एंड उसके अलावा अपन लोग बात करते हैं इसकी, इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा आई है, इसकी भी बहुत ज़्यादा आई है। आई थिंक हमें ना ये खरीद लेना चाहिए सनस्क्रीन, क्योंकि इसका सेल भी ज़्यादा होता है तो अपन लोग थोड़ा सनस्क्रीन खरीद लेते हैं। एंड उसके अलावा यहाँ पे गुड प्राइस, इसका प्राइस देना मेरे ख्याल से सही नहीं है, आई थिंक इसके अंदर $10 का नफा है, इसको खरीदने वाले अपन लोग डेफिनेटली खरीदेंगे और यहाँ पे रख देंगे। और मैं तो बोलता हूँ कि थोड़ा ना थोड़ी चीज़ों का स्टॉक भी कर लेंगे ताकि आगे जाके जब अपन को चीज़ों की ज़रूरत पड़े ना तब मगजमारी ना हो। वैसे ये वाली चीज़ भी अपने पास होनी चाहिए, तो मैं फ्रेश हर्बल ड्रिंक्स भी खरीद लेता हूँ, थोड़ा सा तो खरीदना बनता है, फ्रेश हर्बल ड्रिंक्स खरीद लिया, इसका भी पैकेट रख दिया, आई थिंक 5 पैकेट हो चुके हैं और मैं एक ही बार में सिर्फ और सिर्फ 6 पैकेट लेके जा सकता हूँ, तो मैं एक पैकेट कोई भी खरीद सकता हूँ। तो ये है 153 का, जो कि बहुत ज़्यादा हाई प्राइस, इसको नहीं खरीदूंगा। एंड इसके अलावा इसकी प्राइस आई थिंक जिंजर की प्राइस थोड़ी कम है, इसको खरीद सकता हूँ। अब यहाँ पे $10 का मुनाफा है नट्स के अंदर, तो मैं नट्स डेफिनेटली लेने वाला हूँ और लेके इधर रख दिया। चलो अभी वैसे ना यहाँ से मैं चॉकलेट वगैरह खरीद सकता हूँ बट इसको अपन लोग गोली मारेंगे बिकॉज अपने पास इतना ज़्यादा स्टोरेज नहीं है गाड़ी के अंदर की और भी चीज़ें रख सके। 6 पैकेट तो भाई बड़ी मुश्किल से रख पाएंगे, तो भाई उससे ज़्यादा कुछ नहीं करने वाले। डोर को किया ओपन, जो भी चीज़ें अपने ली है हम लोगों ने वो सभी यहाँ पे रख देते हैं। देखो ये एक ना एक ये रखने में बहुत ज़्यादा मगजमारी होगी, एक इधर रख दिया, एक बक्सा और लिया, इसको भी इधर ही कहीं पे रखना होगा हमें। ए भाई ये हो जा, रोटेट मारते हैं, ये गया, ओके चलो दो बक्से रख दिए। अब ये तीसरा बक्सा इधर रह जाएगा, कोई इशू नहीं होगा, आई थिंक होना तो नहीं चाहिए, ये हो गया तीसरा। अभी 3 बक्से ना इसके ऊपर अपन लोग रखने वाले, जो कि अपन लोग लास्ट टाइम भी रखे थे, तो एक इधर रख दिया। अब एक और बक्सा लेते हैं, इसको भी ऊपर रख देते हैं इधर, ये रख दिया इधर। आई थिंक मैंने ना एक गलती करी है, इसको ना थोड़ा रोटेट मार के रखना चाहिए था, आई थिंक इतना रोटेट कर देना चाहिए था। ओके ये रख दिया इसको, अब इसको ना थोड़ा रोटेट करके इसको भी मैं थोड़ा रोटेट करके ही रखने वाला हूँ ताकि ज़्यादा सामान को अपन लोग रख सकते। एक आखिरी बक्सा बाकी है ना, उसको भी तो रखना है, तो थोड़ा दिमाग रखा के मैंने रख दिया, इसको इधर रख देते हैं। ओके हमारा ये हो गया, अभी अपन लोग गाड़ी के अंदर बैठ के सीधा जाने वाले शॉप पे, हमने चीज़ें खरीद ली है, रात होने से पहले पहुंच जाते, आई थिंक ऑलमोस्ट 8 बज चुके हैं और शॉप पे जाने का टाइम आ चुका है, तो आ जाओ जाते हैं शॉप पे और चीज़ों को बेचते हैं। जितनी चीज़ें खरीदी है ना उतनी तो बेचेगी। अरे नहीं 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 नहीं, गाड़ी ठुक जाएगी रे, ड्राइविंग अभी भी अपनी इतनी सही नहीं है हम लोगों की, तो ड्राइविंग स्किल के ऊपर काम करना होगा वरना गाड़ी की तो भाई हालत ही ख़राब हो जाएगी। बट गाड़ी के अंदर ना एक चीज़ बहुत गलत है, वो है कि बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पकड़ लेती है बहुत जल्दी। अब ये चीज़ फ़ायदे में भी है और थोड़ा इश्यू वाला भी मेरे को सीन लगता है, बट कोई ना, ये थोड़ा सा ना शॉर्टकट रास्ता है, लाइक शॉर्टकट तो नहीं है बट मैं ये रास्ते से जाना प्रिफर करूँगा। अभी वैसे हंगर हमारा इतना ज़्यादा हुआ नहीं है और जैसे मैंने बोला गाड़ी के अंदर ब्रेक का इशू है, तो ब्रेक इतनी जल्दी रखती नहीं है और स्पीड भी बहुत जल्दी पकड़ लेती है, पता नहीं क्या इशू है। आ जाओ अभी आगे जाते, अपना शॉप आने वाला है और चीज़ें वहाँ पे रख देंगे जितनी हमने खरीदी है। वैसे रात के 8 बज चुके हैं, जो कि अभी भी 8 ही बजे हुए हैं, बढ़िया है। इधर रख देते हैं गाड़ी को साइड पे। ओ भाई ब्रेक ब्रेक ब्रेक, किसी और की गाड़ी को ठोक दिया यार, इसका ना हमें पेमेंट ना देना पड़े तो अच्छा है, वरना भाई हालत ख़राब हो जाएगी। गाड़ी को रख दिया यहाँ पे, आई थिंक थोड़ा रास्ते में है बट कोई ना, पहले तो मेरे को इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने दो भाई वरना हालत ख़राब हो जाएगी। भाई रुक जा, इलेक्ट्रिसिटी बिल ले ले यार, ये गया अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल। और शॉप के अंदर अभी ना अभी के लिए आ चुकी है लाइट, जो कि एक वाकई में दमदार बात है। एंड उसके अलावा ना और भी चीज़ें अपन लोग यहाँ से नीचे उतारने वाले, इसको ले लिया एक बक्से को, इधर इधर रख देता हूँ भाई, एकदम ना तगड़म तरीके से मैं रख रहा हूँ, मतलब कोई डिसाइड नहीं है कि ये जगह पर रखना है, कहीं पर भी रख दे रहा हूँ बट चलता है, कोई इश्यू नहीं है। चीज़ें काफ़ी सारी हमने खरीदी है, स्ट्रॉबेरी चॉकलेट या बहुत सारी चीज़ों को मैंने खरीदा है, टॉयलेट क्लीनर खरीदा है, सनस्क्रीन खरीदा है, नट्स खरीदे हैं, बादाम एंड उसके अलावा चाय पत्ती खरीदी है।
तो ये काफी सही वाला हमारा डिसीजन हो भाई, चीजों को हम लोग बेच पाए वहीं सबसे बढ़िया रहेगा, वरना दिक्कत होगी। सामान अपना बिक रहा है, वैसे शॉप अपनी जो है ना बहुत सही वाली शॉप चल रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि अपनी शॉप बहुत ही नंबर वन शॉप है अभी के टाइम पे इस सिटी के अंदर। अभी इसको कर देता हूँ मैं बंद। भाई बंद हो जाए यार, बंद क्यों नहीं हो रहा है? ओके अब होगा बंद। चलो अभी अंदर जाते हैं, चीज़ों को अपन लोग लगा देते हैं इस रैक के अंदर और सजा देते हैं रैक को। तो सबसे पहले मैंने सोचा है बादाम को मैं ना यहाँ पे रखने वाला हूँ, तो बादाम को रख देता हूँ एकदम बढ़िया तरीके से। ये रख गए बादाम के बक्से, बादाम के जो बक्से है ना मैं ऊपर ऊपर भी रख सकता हूँ, एक के ऊपर एक भी रख सकता हूँ, तो उसके अंदर कोई इशू नहीं होने वाला। ये उठाया, ये उठाया और यहाँ पे रख दिया ये इस तरीके से। देखो तो अपना जो स्पेस है ना वो भी बचेगा और चीज़ों को अपन लोग ज़्यादा रख पाएंगे, तो ये वाला आइडिया मेरे ख्याल से सही है। और ऐसे ही कुछ करना होगा, वरना क्या होगा बहुत जल्दी अपना ये जो स्टोरेज है वो फुल हो जाता है और चीज़ों के अंदर दिक्कतें आने लगती है। ये टूना क्या है मेरे को पता नहीं है, टूना क्या है? आई थिंक ये पीने का कोई ड्रिंक होगा या कुछ होगा, मेरे को नहीं पता है टूना का मतलब क्या है, बट आई होप ये टूना भी बिक जाए, मतलब बिक्री इसकी भी अच्छी हो। वैसे और भी सामान अपन को फ्रिज वगैरह भी चाहिए शॉप के अंदर, आइसक्रीम वगैरह बेचने के लिए, तो वो भी अपन लोग खरीदने वाले हैं। बट अभी के लिए ना जितनी चीज़ें हमने खरीदी है वो तो संभाल के रखे और उतनी तो चीज़ें बेचे, एंड उसके बाद देखें कि कौन कौन सी चीज़ लेते हैं। वैसे मेरा पूरा मन है कि मैं फ्रिज खरीदूँ, और तुम लोग ना कमेंट करके बताया करो यार जो चीज़ खरीदनी है या अपन लोग जो चीज़ खरीद सकते हैं। क्योंकि लास्ट टाइम का मैं आपको एक सीन बताता हूँ, लास्ट टाइम ना एक बंदे ने कमेंट किया था कि अज्जू भाई इसके अंदर जो आपका स्टोरेज बॉक्स है ना, स्टोरेज रूम, उसके अंदर एक सीढ़िया है जिससे आप सीढ़ी लेके ऊपर तक सामान रख सकते हो, जो कि मेरे को नहीं पता था। तो मैं आप लोगों के कमेंट रीड करता हूँ, तो अगर हो सके तो कमेंट कर दिया करो ताकि हमें आइडिया है कि हाँ भाई इस तरीके से भी कर सकते। अगर तुम्हारे पास कोई भी बिजनेस आइडिया है कि अज्जू भाई इस तरीके से आप अपना जो शॉप का बिजनेस है, शॉप के अंदर बिजनेस बढ़ा सकते हो, या ये चीज़ खरीद लो इसके अंदर मुनाफा ज़्यादा होगा इन फ्यूचर जाके, तो वो भी मेरे को बता सकते हो। बट ये सनस्क्रीन लग क्यों नहीं रही? ये लगा दी सनस्क्रीन यहाँ पे, अपने पास सनस्क्रीन भी बहुत सारी। इलेक्ट्रिसिटी बिल भाई वापस से क्या इलेक्ट्रिसिटी गई कि रात हो गई? अभी नहीं जानी चाहिए भाई इलेक्ट्रिसिटी, अभी तो पेमेंट दिया यार इलेक्ट्रिसिटी वालों को। अगर अब पावर कट किया तो भाई इलेक्ट्रिसिटी वालों को घर पे जाके मारूंगा मैं यार। ए भाई रुको, ये लगा दिया यहाँ पे। अब टी बक्सा इधर ले लेता हूँ ताकि मेरे को ना ज़्यादा लंबा नहीं जाना पड़े। टी बक्सा इधर, ये बक्से को भी इधर रख देता हूँ और इसको भी इधर रख देता। अरे मैंने पहला टी बक्सा नहीं लिया था क्या? वो अच्छा मैंने दो बार टी खरीदी है। चलो कोई ना, जब टी थी नहीं तब बिल्कुल नहीं थी, अब खरीदी है तो दो बार खरीद ली भाई, दो बक्से खरीद लिए एक ही साथ। अब बताओ तुम लोग भी यार, मतलब जब खरीदो तब ज़्यादा खरीदो, नहीं खरीदो तब एक भी मत रखो, ये बात होगी अपनी यार। यहाँ पर रख देते हैं टी का एक और बक्सा, एक और उठा के इधर रख देते हैं, एक और उठाया। आई थिंक एक के अंदर ना 10 बक्से आते हैं, और जिस हिसाब से इसका साइज है मेरे को नहीं लगता इतने छोटे बक्से के अंदर 10 बक्से रह गए होंगे, बट कोई ना, 9 बक्से हमने लगा दिए। हमारे पास ग्रीन पत्ती करके चाय है, इसका नाम मिंचिंग है, मिंचिंग चाय कंपनी जो कि बहुत ही बढ़िया है। वैसे ही इसको लगा देता हूँ इधर, अब इसको लगा देता हूँ, अरे भाई साहब ये इधर, अब इसको लगा देता हूँ, अरे भैया लग जाए यार, ये लगा दिया हमने इधर, अब इसको लगा दिया अपन ने इधर, अब और भी चीज़ों को अपन लोग लगाने वाले हैं, इसको लगा दिया इधर, अब यहाँ पे भी लगा देते एक मिनट यार, बढ़िया भाई। अपने पास ना चाय पत्ती बहुत ज़्यादा है, और आई थिंक मुझे लगता है चाय पत्ती का जो स्टॉक है ना बक्से को साइड पे कर देना चाहिए, और इन फ्यूचर अपने पास अभी के लिए जगह है तो चीज़ों को ना अपन लोग इधर सेल करने के लिए रख रहे हैं। बट आगे जाके जो चीज़ें होगी ना, चाहे लाइक अपने पास ज़्यादा चीज़ें हैं तो उसको अपन लोग छोड़ देंगे, उसको कोई बेचने के लिए इसके अंदर रखेंगे नहीं, क्योंकि फिर जगह अपनी जो है ना वो ये खा जाएगी चीज़ें, और ज़्यादा चीज़ों को अपन लोग रख नहीं पाएंगे, तो उससे अच्छा कि चीज़ें अपन लोग कम ही रखें। ये हार्पिक है क्या? हाँ टॉयलेट के नर, वो नहीं बोलता क्या आपके घर में ये है, आपके घर में वो है, वो वाला सीन है। देखो अभी भी कस्टमर आ रहे हैं भाई, और क्या चाहिए। यहाँ पर लगा दिया इसको, यहाँ पर लगा दिया, एक और यहाँ पे रख दिया। ये टॉयलेट क्लीनर लेके कहीं किसी के घर जाएगी कल सुबह। तो भाई लोग लगभग रात के 12 बज चुके हैं, सभी सामान हमने यहाँ पे रख दिया है, तो अभी टाइम आ चुका है अपन को घर जाना होगा, क्योंकि सोने का टाइम हो चुका है। शॉप को अपन लोग कर देंगे क्लोज, और अभी के लिए अपना जो ये कैशियर था वो भी घर पे जा चुका है, तो जितना कलेक्शन हुआ है $224 का मैंने ले लिया है। एंड इसके अलावा मैं एक बार के लिए लैपटॉप चेक कर लेता हूँ, लैपटॉप के अंदर क्या क्या चीज़ें। वैसे मैं अभी के लिए ना कॉफ़ी मशीन बाई कर सकता हूँ, एंड उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें बाई कर सकता हूँ। और सनग्लासेस डिस्प्ले $1000 का है, जो कि मैं नहीं करने वाला हूँ। अभी बात करते हैं सेव गेम में कर लेता हूँ, एंड उसके अलावा मैं अगर सेकंड कैशियर हायर करना चाहता हूँ, नहीं करना चाहता अभी के लिए,
मैं फार्म भी बाई कर सकता हूँ और बाई सेकंड फ्लोर, मतलब अपन जो इस शॉप को है उसको भी बड़ा कर सकते हैं एक सेकंड फ्लोर बाई करके, जो कि अपने पास अभी इतने पैसे नहीं है तो ये नहीं करने वाले हैं। वैसे ये क्या है सनस्क्रीन, मैंने क्या किया ये प्लस करके मेरे को पता। ओ अच्छा, सनस्क्रीन की प्राइस है लाइक सनस्क्रीन आज के दिन इतने का बिकेगा, $14 का बिकेगा, $20 का बिकेगा, इस तरीके से प्राइस सब दी गई है। एंड उसके अलावा ये सब चीज़ें कंप्लेंट, जो ये कंप्लेंट से हमारे पास ये सब चीज़ें नहीं है और इसकी वजह से हमारे जो ग्राहक है, मतलब जो लोग यहाँ पे चीज़ें खरीदने के लिए आए थे वो सभी लोग चले गए, तो हमने कंप्लेंट्स भी जो है वो नोट करके रखी है। तो कल अपन लोग लेने जाने वाले हैं पिज़्ज़ा, उसके अलावा नो ब्लीच था तो अपने पास ब्लीच नहीं था तो ब्लीच भी लेने जाने वाले, बीन्स ले गए, मिल्क चॉकलेट, चॉकलेट आइसक्रीम जो कि मैंने बोला था आइसक्रीम के लिए फ्रीज चाहिए और फ्रीज भी हमारे पास नहीं है, पैसे बहुत ज़्यादा कम है तो पहले थोड़े पैसे कमाएंगे एंड उसके बाद ही सभी चीज़ें खरीदेंगे। रात के 1 बज चुके हैं, पहले अपन लोग जाने वाले हैं घर पे, यहाँ से थोड़ा सा खाना खा लेते ताकि नहीं अभी के लिए निकल, सुबह ही खाना खाएंगे बट अभी के लिए निकल लेते हैं गाइस। रास्ते में मेरे को लाइट करना होगा ओन गाड़ी का बिकॉज बिल्कुल अंधेरा हो चुका है। वैसे मेरे को लगता है जो एक गाड़ी है ना वो भी ख़राब होने वाली है या इसको भी रिपेयरिंग की ज़रूरत पड़ेगी, बट अभी के लिए चल रही है, जितना चलेगी उतना चलाएंगे, जब बिगड़ जाएगी तब देखेंगे। एंड नया गाड़ी तो नहीं लेने वाले बट इस गाड़ी को रिपेयर करवाएंगे। यहाँ पे ब्रेक लगा के अपन लोग रास्ता मोड़ने वाले, भाई देखो दिख ही नहीं रहा कुछ यार, इतना अंधेरा हो गया है। कल से याद रखेंगे 8 बजे अपन को घर चले जाना है एंड 9 बजे सो जाना है, सबसे पहले ये चीज़ करनी है। सुसु लगी है, सुसु भी करना है और नहाने की भी अपन को ज़रूरत है ऐसा मेरे को लग रहा है, तो नहाएंगे भी और सुसु भी करेंगे बट पहले घर पे पहुंच जाते। अपन लोग आ चुके हैं घर पे और ये रहा अपना घर। अरे मैंने वापस गाड़ी ठोक दी, देखो कल भी गाड़ी ठोका था जब घर पे आया था और आज भी ठोक दिया। अभी इधर जाते अपन लोग घर पे, घर का दरवाज़ा ओपन, चोर बोर आए थे क्या कि मैं ही घर का दरवाज़ा ओपन करके चला गया था, कोई ना अभी बात के अंदर अपन लोग पहले नहा लेते हैं ताकि हमारा डर्टनेस जो है वो ख़त्म हो जाए। अभी सुसु करना होगा तो सुसु करने के लिए भी इधर जाते हैं, कर लिया अपन ने सुसु और अभी बात ख़त्म। चलो यहाँ पे आने के बाद अपन लोग सो जाएंगे एक दिन ताकि दूसरा दिन सुबह 7 बजे, मतलब 7 बजे सुबह उठेंगे और दूसरे दिन, मतलब जो दूसरे दिन होगे ना वो शॉप ऑटोमेटिक ओपन हो जाती है, जैसे तुम्हें भी पता है मेरे को भी पता है। तो चलो दूसरे दिन सुबह 7 बज चुका है और अपन को मैसेज भी मिल चुका है, मैसेज भी नहीं मतलब मैसेज जो बोलते हैं ना मैसेज, वो भी मिल चुका है कि शॉप ओपन हो चुका है। अभी अपन लोग जाने वाले हैं वापस शॉप पे। वैसे मैं क्या बोल रहा हूँ मेरे को खुद को समझ नहीं आ रहा है, तो आ जाओ अभी अपन लोग निकल चुके हैं शॉप के लिए। वैसे हमें ना खाना खाने की ज़रूरत है बट मैं सोच रहा हूँ कि खाना अभी के लिए अपन लोग नहीं खाने वाले। अपने पास में ना एक छोटी सी दुकान है अगर तुम्हें पता हो तो वहाँ पर जाके अपन लोग खाना खाने वाले हैं आज के लिए, बिकॉज कल हमने सोचा था कि इसका अपन लोग खाना खाएंगे, तो आ जाओ थोड़ा सा खाना खा लेते। मैंने वापस गाड़ी को ठोक दिया और पता नहीं अपने साथ क्या सीन है बट अपन लोग ना चलते फिरते गाड़ी ठोक देते हैं, तो इससे अपन लोग जूस वगैरह खरीदने वाले हैं और पीने वाले हैं। चलो भाई बहुत बढ़िया है यार इसका जूस, हमारा 21 हंगरनेस बचा हुआ है तो ये काफ़ी सही लगा मेरे को। एंड उसके अलावा हमने सामान तो सभी का सभी यहाँ पे रख दिया बट सामान की बिक्री भी हो रही है, जितना सामान हमने बिका है उसका कलेक्शन $34 है और उसको लेके अपन लोग जाने वाले हैं जावेद शॉप पे और भी चीज़ों को खरीदने के लिए, क्योंकि हमें चीज़ों की ज़रूरत है। और मैं सोच रहा हूँ कि इस बार जितना प्रॉफिट होगा ना, आप जितनी चीज़ें लेके आएंगे उन सभी का जितना भी प्रॉफिट होगा और उस प्रॉफिट से हम लोग एक सबसे पहले ना फ्रिज खरीदेंगे, क्योंकि फ्रिज की ज़रूरत मुझे लगता है सबसे ज़्यादा अभी के टाइम में है। बिकॉज फ्रिज नहीं है इसलिए हमारे पास आइसक्रीम नहीं है और आइसक्रीम नहीं है तो जो ग्राहक है वो चले जा रहे। देखो ब्लीच भी अपने पास नहीं है। आई होप आज अपन लोग ब्लीच खरीद ले और ब्लीच वाला जो काम है उसको निपटा दे। तो आ जाओ, ये वाला रास्ता जो है ना जावेद शॉप की ओर जाता है। अब इधर से अपन को इधर मुड़ जाना है इधर की साइड और यहाँ पे जब थोड़ा आगे जाएगा ना तो जावेद शॉप आ जाएगा। ये लो, ये आई थिंक इधर से आ जाना चाहिए जावेद शॉप। ये रहा देखो सामने की साइड जावेद शॉप, यहाँ से अपन को चीज़ें खरीदनी है भाई साहब। तो हम लोग आ चुके हैं अभी के लिए जावेद शॉप, यहाँ पे रख देते हैं गाड़ी। ओ भाई रुक जा यार, रुक जा नीचे उतर जा चिमकांडी। ओके तो जावेद शॉप पे आने के बाद जो भी चीज़ें अपन को चाहिए वो खरीद लेते हैं, बट उससे पहले ना मेरे पास मॉनिटर नहीं है, मतलब भाई क्या बोलते हैं पीसी नहीं है, अपना लैपटॉप नहीं है भाई, इसका मैं यूज़ नहीं कर सकता। वरना मेरे को ना बहुत सारी चीज़ें चाहिए, जो भी चीज़ें चाहिए वो मैं खरीद लेता हूँ ताकि अपन को चीज़ें मिल सके। अब ज़्यादा पैसे कमाने के लिए ना केक वगैरह चाहिए, बट केक के लिए आई थिंक जो है ना हमें ये सब चीज़ें भी चाहिए। ये क्या बोलते हैं केक के अंदर प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है बट आई थिंक केक अपने पास से भाई अभी के लिए कौन करेगा। अब स्नैक के अंदर अपने पास है नॉर्मल प्राइस जो स्नैक है इसकी काफ़ी, यार इसके अंदर प्रॉफिट नहीं है
बट आई थिंक हमें ना स्नेक ले लेना चाहिए, बिकॉज कहीं सारे लोग स्नेक के लिए आते हैं ना तो दिक्कतें हो जाती है। तो वर्कर सैलरी गई भाई एक दिन का ना भाई, ये बहुत ज़्यादा पैसे लेता है भाई, वर्कर बहुत ज़्यादा पैसे लेता है एक दिन का। अब यहाँ पे ये देख लेते डार्क चॉकलेट, आई थिंक सही टाइम है डार्क चॉकलेट खरीदने का। अगर तुमने प्राइस देखा हो तो भाई बहुत ज़्यादा कम है, और एक चीज़ तुम्हें पता हो तो डार्क चॉकलेट जो है ना, डार्क चॉकलेट वो बहुत ज़्यादा बिकती है, लाइक लोग बहुत ज़्यादा खरीदते हैं। यहाँ पे $25, ये $46 नहीं दूंगा इसका, $111 नहीं दूंगा। गुड प्राइस कितना इसका, 40 नहीं, ये नहीं देखना हाई प्राइस गुड प्राइस 124 नहीं। स्ट्रॉबेरी बिस्कुट हमारे पास पड़े हुए हैं, चिकन नहीं चाहिए अपन को, ब्लीच कहाँ पे मिलेगा मेरे को ना, बीफ आई थिंक हमें खरीद लेना चाहिए क्योंकि बीफ की प्राइस भी गुड है, एंड उसके अलावा लोग भी इसकी वजह से चले गए, उन लोगों को चीज़ें मिली नहीं है। नट्स की प्राइस नहीं यार, नहीं खरीदना है, नट्स अपने पास पहले से ही है। यहाँ पे ओमलेट कुकी भी मेरे को नहीं चाहिए, आई थिंक खरीद लेता हूँ ओमलेट कुकी भी, थोड़ी सी रखी लेते हैं शॉप के अंदर क्योंकि वेराइटी मिलनी चाहिए। अभी यहाँ पे चिप्स वगैरह खरीद के कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि इतना कोई फ़ायदा मेरे को दिख नहीं रहा है चिप्स के अंदर, इसमें भी कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें भी नहीं है। गुड प्राइस किसकी है, गुड प्राइस इसकी है 78। नट चॉकलेट आई थिंक ये बहुत ही बढ़िया हमारे लिए स्कीम है, ज़्यादा प्रॉफिट है, तो एक बक्सा इसका खरीद लेते हैं। इसका क्या सीन है, सोल्ट ओके, तो नमक नहीं खरीदेंगे, एंड इसके अलावा इसमें पास्ता भी नहीं खरीदना है, ये भी नहीं खरीदना है, ये भी नहीं खरीदना है, नूडल्स भी नहीं खरीदना है, ये भी नहीं खरीदेंगे। वैसे अपन को ना कॉफ़ी वगैरह छोड़ो, अपन को कंप्लेंट ये थी कि अपने पास ब्लीच नहीं था, तो ब्लीच कहाँ पे है, आई थिंक हमें ना लास्ट में ब्लीच खरीद लेना चाहिए क्योंकि ब्लीच की वजह से बंदे ये रहा ब्लीच, और ब्लीच का प्राइस भी सही है, आई थिंक मैं ब्लीच खरीद लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारे 6 बक्से हो चुके हैं क्योंकि अपने पास सिर्फ और सिर्फ जगह 6 बक्से रखने की ही है, तो अभी के लिए 6 बक्से ही अपन लोग खरीदने वाले हैं। और मुझे लगता है अपन लोग ना गाड़ी बाय कर सकते हैं कि नहीं मेरे को नहीं पता, बट अगर अपन लोग इन फ्यूचर गाड़ी बाय कर सकते हैं ना तो जरूर मैं गाड़ी नहीं बाय करना चाहूँगा जिसके अंदर डीकी ज़्यादा हो, मतलब बड़ी हो डीकी। ओ भाई ये मैंने क्या कर दिया भाई साहब, ये मैंने गलती कर दी गाई, जिसके अंदर से चीज़ें निकाल दी जो कि मेरे को नहीं निकालनी चाहिए थी, एस्केप कर देता हूँ भाई। नहीं यार अभी इसको मैं क्या करूँगा बताओ यार, डार्क चॉकलेट का लोचा लग गया गाई, हमने गलती कर दी यार, अब इसको अंदर रख नहीं सकते बक्से के अंदर, वो हो गई दिक्कत कोई ना। आई थिंक इसका कुछ ना कुछ झोल करेंगे हम लोग, कहीं ना कहीं पे रख देंगे और घर पे लेके जाएंगे। वैसे भाई डार्क चॉकलेट भाई तुमने तो चूना लगा दिया हमको भैया, वैसे चीज़ें सस्ती थी ना तो मैंने सोचा कि गाइस खरीद ही लेते, काफ़ी सारी चीज़ें खरीदनी थी वो, और स्कीम भी अच्छी थी, मतलब लाइक काफ़ी चीज़ें सस्ते में मिल रही थी तो मैंने हाथ मार ही लिया बड़ा वाला। अब यहाँ पर इसको थोड़ा रोटेट मार के ना यहाँ पर रख देता हूँ। अब चॉकलेट का कुछ ना कुछ जुगाड़ करना होगा, चॉकलेट मैं कहाँ पर रखूँ भैया यार, चॉकलेट इधर नहीं रख सकता, इधर कहीं पे तो जगह बन जाओ यार, चॉकलेट कहाँ पे रखूँगा यार, चॉकलेट का लोचा लग गया, रख जा भाई, ये हो गया चॉकलेट। चलो तो चॉकलेट का भी काम हो चुका है, चॉकलेट की वजह से ना ये सब चीज़ों की वजह से बंद नहीं हो रहा है, तो इसको छोड़ो। अभी हम लोग बैठते हैं गाड़ी में और वापस अपने शॉप पे जाते हैं। तो आई थिंक जहाँ तक मुझे लगता है अभी के लिए 2:11 बज चुके हैं, और अपन लोग वापस एक और बार शॉप पे आ चुके हैं, गाड़ी को रख देते हैं, नहीं इस बार नहीं ठोकनी है भैया, ओके चलो एक और बार ठोक दी, मतलब ये गाड़ी को हमने जितनी बार ठोका है ना भाई उतना भाई क्या ही, मतलब जब भी गाड़ी लेके आते थे इस गाड़ी के सामने अपन लोग टकरा जाते थे, ये वाला सीन है। अभी अपन पहले सबसे पहले ना चॉकलेट लेके चॉकलेट को यहाँ पे रख देते, वैसे भी डार्क चॉकलेट पड़ी था, एक पैकेट तो पड़ा हुआ था, बट कोई ना अपन ने ले लिया है, खरीद लिया है तो कोई बात नहीं भैया, साइड दो यार, आपका मालिक आया है शॉप का। वैसे मुझे लगता है टाइम हो चुका है एक दूसरा वर्कर बाय करने का, और दूसरे वर्कर के अंदर पैसे देना आई थिंक मुझे नहीं लगता सही है, बट बैंक के अंदर पैसे डालने होंगे क्योंकि $0 हो चुका है बैंक के अंदर, बिल्कुल भी हमारे बैंक में पैसे नहीं है, तो बैंक में पैसे डालेंगे। और मेरे को नहीं लग रहा हमें शॉप से कोई प्रॉफिट हो रहा है इतना ज़्यादा, देखो आप मतलब चीज़ें पड़ी है डेफिनेटली, क्योंकि हमने ना बैंक से लोन भी लिया है, ये चीज़ आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ, बैंक से हम लोगों ने एक लोन लिया था छोटा सा, और यार सच में वो लोन का भी भरपाई करना है $1,000 वो, उसके अलावा हम लोगों ने इन्वेस्ट किया इस शॉप के अंदर, बट एंड देन फ़ायदा अभी के लिए मुझे कुछ दिख नहीं रहा इतना ज़्यादा। वैसे अपना वो कहाँ पे गया, इसके अंदर ही मैंने रख दी होगी ये सीढ़ियाँ, कहाँ पे गई भाई, ये रही अपनी सीढ़ी, अब इसको लेके ना ऊपर की साइड जाने वाले अपन लोग, यहाँ पे रख देते इसको। अब ये चॉकलेट जो है ना, चॉकलेट का बक्सा भाई आ जा फटाफट से यार, तेरी वजह से सब कांड हुआ और तू अब बोल रहा है कि नहीं आना, ऐसे कैसे चलेगा, रुक जा, इसको रखेंगे गाइस अपन लोग इधर की साइड पे, ये रख दिया। अब एक और बक्सा अपने पास चॉकलेट का है तो इसको रखने वाले अपन लोग एकदम पीछे की साइड, एक ना गलती करी हमने पता है,
अब यहाँ पे हम लोग ना तीन रख सकते हैं, तो लाइन पे तीन लगा देते हैं। ओके चलो, अब जो भी चीज़ें अपने पास है ना, वैसे मैं इधर ऊपर से ही इस सब चीज़ों को ना एक्सेस कर सकता हूँ। वैसे हम लोग ब्लीच वगैरह लेके आ चुके हैं, जो कि हमारे लिए काफ़ी फायदे में जाने वाली बात है, बिकॉज कस्टमर हमारे जो है ना, उन लोगों को चीज़ें मिल जाएगी। नो ऑरेंज भाई, अब मैं ऑरेंज कहाँ से खरीद के लाऊंगा यार अभी के टाइम पे। एक मिनट, ये उठाया, बक्सा नहीं, इसके अंदर से चीज़ है, एक लगा दी यहाँ पे। ये क्या है? कर्मा, इसका नाम है कर्मा पानीपुरी मसाला। ये पानीपुरी जैसा ही कुछ लिख रहा है, नहीं बीफ का कुछ है, कोई ना, बढ़िया है। ये भी अपना सामान बिक जाए बस, और क्या चाहिए यार। ये सीढ़ी इतनी ऊपर नहीं जाती क्या? ऐसे ऊपर नहीं जाती क्या? वरना इसके ऊपर के ऊपर चीज़ें रख देता ना, बढ़िया रहता। ये लगा दिया इधर, कैसे कोई आइडिया है तो मेरे को बताना। इसको रख देते हैं अपन लोग इधर। एक और चीज़ खरीदते हैं, बिजनेस करो तो बड़ा करो परसोत्तम भाई, वरना ना करो, वो वाला सीन है पता है तुम्हें। एक यहाँ पर रख देते हैं अपना ना सामान यार, दुकान के अंदर ना जितना भी लाओ कम पड़ रहा है पता है। चीज़ें बहुत जल्दी बिक रही है, और उस वजह से जितना भी सामान ला के अपन लोग शॉप में रख रहे हैं ना भाई, वो कम ही पड़ रहा है, चीज़ें तुरंत बिक रही है। तो नेक्स्ट बार से जो जितना भी सामान खरीद के लाएंगे ना, वो ज़्यादा सामान लेके आना है भाई, कुछ भी हो जाए। अभी वैसे मैंने ना एक गलती करी पता है तुम्हें, यहाँ पे मैं रख देता हूँ इसको एक बार के लिए। ओके चलो, ये रख दिया इधर। अब ये बक्से को इधर रख देता हूँ, डार्क चॉकलेट वाले। और डार्क चॉकलेट का जो ये बक्सा है ना, इसको छोड़ो, इधर रख देता हूँ। ओके चलो, अब इसको ना अपन लोग सही तरीके से लगाने वाले। इसको ले लिया, अब इसको लेके ना अपन लोग सीरियस होने वाले। इसका मुंह इधर कर देंगे, देखो इस तरीके से लगा दिया ऐसे। तो भाई लोग, जितना भी सामान अपन लोग खरीद के लाए थे, वो सभी सामान मैंने यहाँ पे रख दिया है। अभी ना इस सीढ़ियों को अपन लोग यहाँ पे सीढ़िया का रखने वाले हैं, एंड उसके बाद इसको करने वाले अपन लोग यहाँ से ओ। एंड अभी के लिए ना कस्टमर बहुत सारे आ रहे हैं, चीज़ें बहुत सही चल रही है। वैसे ना मैं जितनी चीज़ें यहाँ पे कलेक्ट हुए भाई, $396 कलेक्ट हुआ है, तो मैंने वो कलेक्शन ले लिया है। वैसे अभी भी मेरे को नहीं लगता मैं इतना प्रॉफिट में हूँ। हाँ, चीज़ें अपने पास बहुत सारी है, जब ये चीज़ें बिकेगी तब हम लोग प्रॉफिट में हो गए, बट अभी के लिए इतना प्रॉफिट नहीं है जितना अपन को होना चाहिए। तो अभी के लिए अपन लोग सबसे पहले करने वाले हैं चेक, जिससे अपन को पता चले क्या क्या चीज़ें मैं सेकंड कैशियर हायर कर सकता हूँ, बट इतनी औकात अभी मेरी है नहीं, क्योंकि मेरे पास $2500 नहीं है। अभी अपन लोग बात करते हैं, शॉप सुबह 7 बजे ओपन हो जाएगी। ऑटो क्लोज शॉप वैन आउट ऑफ स्टॉक, हाँ इसको मैं ऑन रखता हूँ। एंड उसके अलावा फार्म वगैरह में बाई कर सकता हूँ, बट मुझे नहीं लगता बाई करना चाहिए। न्यूज़पेपर स्टैंड आई थिंक नहीं बाई करना चाहिए अभी के लिए, सही चीज़ नहीं है। नो पोटैटो, अभी देखो पोटैटो भी अपने पास नहीं है, तो मैं चीज़ें क्या कर सकता हूँ। वैसे ये वाला पीसी किस लिए है? ओके, टॉक टू जावेर फर्स्ट। ओके, मेरे को ना जावेर से बात करनी होगी ये पीसी को यूज़ करने के लिए, पता नहीं किस तरीके से होगा, बट आने वाले समय में अपन लोग ये चीज़ भी कर देंगे। पोटैटो चाहिए, ब्लीच चाहिए, नॉर्मलिक मिल्क भी अपने पास नहीं था। काफ़ी सारी चीज़ों को ना अपन लोग लेके आ चुके हैं, काफ़ी सारे प्रॉब्लम को अपन लोगों ने सोल्व कर दिया है, बट बहुत सारे प्रॉब्लम जैसे डिटर्जेंट है, बनाना है, ईग्स है, टोमेटो पास्ता जो भी बोलते हैं, टोमेटो पेस्ट, क्लीनिंग पाउडर, ऑरेंज, डॉग फूड, ये सभी चीज़ें अपने पास नहीं है। तो ये सभी चीज़ें अपन लोग खरीदने जाने वाले हैं, बट अभी के लिए तो ना निकलना होगा। अगर वहाँ पे जाना है हमें तो अभी से निकलना होगा। वैसे ना इसको मैं बंद कर देता हूँ, और भूख मेरी जो हंगर है वो चुका है 58, तो मेरे को ना कुछ चीज़ें यहाँ से पहले तो खा लेनी चाहिए। अभी के लिए इतनी भूख हम लोग मिटा सकते हैं, तो खाना खा लिया। अभी बैंक में जाते हैं पहले ना, बैंक अकाउंट के अंदर, अपने बैंक अकाउंट में अभी $0 है, मतलब एक भी पैसा नहीं है, $0 में तो क्या ही होगा। तो आ जाओ, थोड़ी सी चीज़ें डाल देते इसके अंदर भी। $0 से चीज़ें कर देते हैं अपन लोग, $100 डाल के बैंक अकाउंट में कर देते हैं यहाँ पे $100। तो अपने बैंक अकाउंट में अभी पड़े हैं $100, तो आ जाओ बैंक में, $100 तो हमने डाल ही दिए हैं। तो गाड़ी लेते हैं और निकलते हैं फिर यहाँ से, और क्या। ये गाड़ी के अंदर बैठने से पहले ना मैं मैप चेक कर लेता हूँ, बट उससे पहले ना मैं इन्फो चेक कर लेता हूँ। गाड़ी का गैस 55 है, ऑयल 65 है, गाड़ी इतना ठोकने के बाद भी 69% सही है, तो कोई इशू नहीं है। मैप के अंदर हम लोग देख लेते हैं कहाँ कहाँ से चीज़ों को हम लोग बाई कर सकते हैं। वैसे कार पार्ट्स, आई थिंक मेरे को ना कार्स पार्ट्स पे जाना चाहिए, क्योंकि मेरी कार जो है वैसे भी वाट लग गई है, तो क्या पता थोड़ी बहुत चीज़ें सही हो जाए। गैस स्टेशन है, वहाँ पे भी हम लोग जा सकते हैं। फर्नीचर शॉप भी जा सकते हैं। तो भाई लोग, अभी के लिए मैं सोच रहा हूँ कि अपन लोग वेजिटेबल जो शॉप है ना, वहाँ पे जाके थोड़ी चीज़ें खरीद के आते हैं, क्योंकि अपन को वेजिटेबल की ज़रूरत पड़ेगी। एंड उसके अलावा ना गाड़ी का पार्ट्स जो है ना, गाड़ी के पार्ट्स वाला शॉप है, वहाँ पे एक बार के लिए जाके आते हैं,
गाड़ी के पार्ट्स आई थिंक मैं डिकी को अपग्रेड कर सकूँ। अगर डिकी मीन्स कि अपन जो चीज़ों को रखते हैं उसको अपग्रेड कर सकते हैं ना, तो उससे बेटर कुछ नहीं होगा, क्योंकि अपन अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ 6 बक्से ही रख। अरे भाई साहब, मैंने अपनी शॉप तोड़ दी क्या? शॉप में नहीं ठोकना है भाई गाड़ी को यार, आ जाओ। तो वहाँ पे जाएंगे और पहले तो ये देखते हैं कि कार पार्ट्स की शॉप सामने की साइड है यहाँ पे क्या, मैं पता यार डिकी को अपग्रेड कर सकूँ। भाई रुक जा यार, भाई रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, क्या मिलता है यहाँ पे देख लेते हैं। ये क्या है भाई, सब चीज़ें मेरे को समझ नहीं आ रहा है। ओके ई भाई बाई कार वोइल, कार वोइल अभी के लिए तो मेरे को नहीं लगता मेरे को ज़रूरत है, तो यहाँ से निकल लेता। अब लोग जाते हैं वेजिटेबल शॉप, और वेजिटेबल शॉप जो, चलो रात के 8 बज चुके हैं, पहले ना घर पे जाके सो लेते हैं, घर पे जाके सोएंगे एंड उसके बाद ही हम लोग जाने वाले हैं वेजिटेबल शॉप, क्योंकि लास्ट बार क्या हुआ था ना, रात के 12 बज गए थे और दिक्कतें स्टार्ट हो गई थी, चीज़ें कुछ दिख नहीं रही थी, मतलब रास्ता पूरा हो गया था। तो उससे अच्छा कि हम लोग सो लेते हैं, सुसु कर लेते हैं, नहा लेते हैं एंड उसके बाद दूसरे दिन आएंगे शॉप पे। भाई धंधा अच्छा खासा चल रहा है भाई, धंधे चीज़। अरे नहीं नहीं मैंने गाड़ी को वापस ठोक दिया एक और बार, मतलब घर पे आने के साथ साथ ना अपन को गाड़ी को ठोकना तो ठोकना ही है, मतलब तुरंत गाड़ी अपन की ना इधर उधर कहीं ना कहीं पे ठुक जाती है। अभी पहले तो नहाएंगे एंड उसके बाद सब चीज़ें करेंगे, तो नहा लेते हैं। रात को नहाना वैसे सही है कि नहीं मेरे को नहीं पता है, बट मैं तो नहा लेता हूँ। देखो यहाँ पे अभी अपन ने सुसु वगैरह भी कर लिया, अभी जाते हैं बेड पे और सो लेते हैं, एक बढ़िया नींद करते हैं, कल सुबह 7 बजे शांति से उठेंगे। वो क्या है, फार्म एंड कंपनी पेमेंट विल बी रिसीव इट। ओके बढ़िया है, हमको अच्छा लगा सुन के। अभी आ जाओ, अभी के लिए अपन लोग जाने वाले हैं वापस शॉप पे। शॉप पे जाने से पहले अपन लोग जाने वाले हैं वेजिटेबल शॉप पे। अरे भाई दरवाज़ा ओपन हो जा, क्या कर रहा है यार, अब बंद हो जा, कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी अपनी ऑटोमेटिक इधर आ जाती है। ये देखो ये हुई ना बात, पार्किंग करने की जरूरत ही नहीं है। आई थिंक जो ये वाला रास्ता इधर से जा रहा है ना, अगर तुम लोग इधर देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो मेरे को नहीं पता, ये वाला जो रास्ता है ना इधर से वेजिटेबल शॉप आएगी, क्योंकि ये वाले रास्ते पे हम लोग कभी गुजरे नहीं है। और ये रही वेजिटेबल शॉप, हाँ ये रही वेजिटेबल शॉप। यहाँ पे एक बार के लिए रुक जाते हैं, नीचे उतरते हैं, ये उतरे अपन लोग नीचे। अभी वेजिटेबल शॉप से ना वेजिटेबल हाई प्राइज सभी के सभी यार, गुड प्राइस किसका यार, पोटेट ओके चलो ऑरेंज का गुड प्राइस है, बट इतना भी गुड नहीं है। देखो यार सब बहुत ज़्यादा वो, अच्छा अब लोग पेपर बाई कर सकते हैं, ये एक ले लिया अपन लोगों ने, यहाँ पे रख देते हैं पेपर अभी। एंड उसके अलावा टोमेटो की प्राइस भी काफ़ी सही चल रही है, तो ना मैं टोमेटो भी खरीद लेता हूँ, बिकॉज गाइस देखो टोमेटो का ऐसा है ना, देखो प्रॉफिट कम होगा बट अपने पास वेराइटी आ जाएगी, और वेराइटी आ जाएगी ना तो अपना जो कस्टमर है वो वापिस ऐसे ही नहीं जाएगा। भाई साहब वाटरमेलन इतना ज़्यादा तो मैं इन्वेस्ट नहीं करने वाला हूँ अभी के लिए, सच बताऊँ तो वाटरमेलन की प्राइस डेफिनेटली सही है, बट अभी के लिए फ़ायदा है नहीं इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करके। बाकी देख लेते हैं नॉर्मल प्राइस जो है टोमेटो, आई थिंक ये वाला एक और ख़रीद ही लेते हैं, क्योंकि अभी प्राइस काफ़ी सही चल रही है और इसमें कॉम्प्रोमाइज़ मैं नहीं करना चाहता सच बताऊँ तो। आ जाओ अभी ना, आसपास और भी शॉप है, इधर क्या है भाई, ये तो मांस मिल रहा है, मांस मटन जो बोलते हैं वो मिल रहा है, गुड प्राइस है इसका। बीफ नहीं चाहिए, ये भी नहीं ख़रीदना है। अरे भाई बहुत ज़्यादा है ये, गुड प्राइस $1 का मुनाफा इसके अंदर तो लॉस में जाएगी, गुड प्राइस इसकी है बट बहुत ज़्यादा महंगा है, और इतनी महंगी चीज़ें आई थिंक कभी मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे पास खुद के पास पैसे कम है। यहाँ पे ये शॉप किसकी है, यह है इलेक्ट्रॉनिकल शॉप, इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप है। ओके चलो इलेक्ट्रॉनिक शॉप के अंदर हम लोग आ चुके हैं। चचा क्या कर रहे हो तुम, वैसे तुम्हारे पीसी के अंदर एक्सेस मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। चलो हाई प्राइस है, ये क्या है, आई थिंक ओवन है एंड उसके अलावा कॉफ़ी मशीन है। कॉफ़ी मशीन का प्राइस काफ़ी सही है, अगर इसको मैं बेचूंगा तो ज़्यादा में बिकेगा, बट अपनी औकात अभी के लिए नहीं है कि ये चीज़ों को मैं खरीद के बेच सकूँ। वो भाई कंप्यूटर तो देखो, गेमिंग के ये भी है, ये गेमिंग कंसोल भी है, PS4 वगैरह भी है, बट इन सब की ना प्राइस बहुत ज़्यादा है भाई। $5,000 टेबलेट, $5,000 बाप रे, इतना महंगा अभी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता सच बताऊँ तो यार। टीवी की प्राइस नहीं 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 गाइस यार, इतनी सारी चीज़ों को ना मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊँगा, काफ़ी ज़्यादा प्राइस है और इतना प्राइस डेफिनेटली मैं नहीं दे पाऊँगा अभी के टाइम में, क्योंकि अपने पास पैसे वगैरह कुछ है नहीं। तो इसको करते हैं वापस, डिक्की को ओपन कर लेते हैं, क्योंकि चीज़ें इसके अंदर डालनी होगी भाई। चीज़ें बहुत ही ज़्यादा महंगी है, बहुत ही ज़्यादा, लिटरली तुम लोगों को पता लगा होगा आपकी यार, नहीं यार जुवाई बहुत ज़्यादा यार तुम पैसे दे रहे हो यार। चलो इधर से उठा लेते, क्योंकि अपनी कमाई इतनी ज़्यादा अब तक हुई नहीं है, जब कमाई होगी ना तब जाके हम लोग पैसे डाल भी सकते हैं, मेरे को कोई इशू नहीं है। पेपर वापस से एक और बार खरीद लेते, क्योंकि अपने पास पैसे हैं
अपना कस्टमर वापस नहीं जाना चाहिए, दो तीन बार इधर आने से अच्छा कि एक ही बार में काम को ख़त्म करे, ऐसा मेरा मानना है। यहाँ पे रख दिया इसको। ओ नो यार, मैंने गलती कर दी, इसके अंदर की चीज़ों को ना, टमाटे की ये एक पूरी की पूरी प्लेट ही इधर रख दी। चलो कोई ना यार, चलेगा। अभी जाते जाते ना अपन इसको शॉप पे ही उतार के जाएगी। इसको मैं कर देता हूँ डोर को वो, ये कर दिया डिकी वो, इसके अंदर गाड़ी में बैठते हैं और आई थिंक यहाँ से ही अपना जो शॉप है वो आ जाएगा। इधर से हमें मुड़ना है एंड उसके बाद अपने जो शॉप वाला है वो एरिया, मतलब ये एरिया स्टार्ट हो जाएगा। ये आ गया अपन लोग इधर। स्मार्टफोन वगैरह बाई करना नहीं है, यहाँ से मैं रेक खरीद सकता हूँ बट रेक अपने पास ऑलरेडी है। बैंक पे अभी जाने का कोई लॉजिक नहीं है और खाने की अपन को अभी भूख नहीं लगी है, तो गाड़ी इस बार रख देते, इस बार गाड़ी किसी को ना ठोकेगे नहीं। तो यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले अपन लोग करने वाले डिकी को ओपन, और जो सामान अपने पास है ना वो सभी सामान को इधर से अपन लोग उठाने वाले हैं। डिकी ओपन हो जा भाई, क्या कर रहा है, चलो आ जाओ। अभी सभी सामान जो खरीद के लाया ना उन सभी सामान को इधर रख देते हैं। तो भाई लोग यहाँ पे जो शिमला मिर्च है वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें मैं लेके आ चुका हूँ, शिमला मिर्च को अपन लोग ना यहाँ पे सजावट सजा के रख देते यार, क्योंकि ये चीज़ें बिकने वाली है भाई। आई थिंक ना जो भी चीज़ें अपन खरीद के लाते हैं ना उसको बेच देना अपन लोग, बेच दे मतलब स्टॉक ना करें अभी के लिए, तभी बेटर रहेगा। बिकॉज चीज़ों को स्टॉक करके आई थिंक कोई फ़ायदा है नहीं, चीज़ें यार बिकेगी नहीं ना, फिर तो यार दिक्कत में अपन लोग ही आ जाएंगे वैसे। और कौन सी चीज़ ऐसी है जिसको हाई प्राइस में भी खरीदने के बाद उसका अपन को फ़ायदा हो सकता है, वैसा मैं सोच रहा हूँ यार। वैसे अपन लोग जो प्रॉफिट दिख रहा है उन सभी चीज़ों में जाएंगे ना, तो उसमें फ़ायदा तो है डेफिनेटली, बट कुछ चीज़ें अपन को ना रिस्क लेके करनी होगी कि अनुमान लगा कि चलो आज इसका प्राइस ज़्यादा है या कम है, कल को मेरे को प्रॉफिट देगी, तो इस तरीके से कुछ करेंगे तभी जाके फ़ायदा होगा। वरना तो भाई फिर तो ऐसे ही अपन लोग काम करते रह जाएंगे और कोई फ़ायदा तो कुछ होगा नहीं डेफिनेटली, ये तो चीज़ आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। तो प्रॉफिट निकालना होगा चीज़ों को खरीद के बेच के, और फ्रिज लेना है भाई किसी भी हाल में, थोड़े समय में ही अपन के पास एक फ्रिज होना चाहिए भाई। अब ऐसे छोटे छोटे बिजनेस करके फ्रिज आएगा नहीं जहाँ तक मुझे लगता है। तो भाई लोग यहाँ पे हमने जो भी खाने पीने का सामान खरीदा था वो सामान भी हमने यहाँ पे रख दिया है, एंड इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें अपन ने कर दी है। बट अभी के लिए ना हमें कैशियर ने जितना कमा के दिया वो सभी ले लेते हैं, सामने जाते हैं बैंक में, अभी बैंक में वापस से पैसे डाल देते क्योंकि अपना बैंक अकाउंट वापस से $0 हो चुका है भाई। मतलब बैंक में पैसे डालो, बैंक वापस से $0 हो जाता है, वापस पैसे डालो, इसमें लगे हुए अपन लोग यार। इस बार मैं सोच रहा हूँ ना $200 एक ही साथ डाल देते हैं, तो यहाँ पे ये हो गया $200 हमने डाल दिए। वो धीरे धीरे, अगर तुम लोग ने एक चीज़ नोटिस किया नहीं कि मेरे को पता नहीं, हमारा जो लोन है ना वो पे हो रहा है लाइक $50 करके, हमारा बस अभी के लिए ना $850 ही बाकी रहा है लोन देने में, और इससे बेटर कोई भी चीज़ नहीं हो सकती। तो भाई ये काफ़ी सही वाली चीज़ है, अपने ATM में भी पैसे है, उसके अलावा सब चीज़ें एकदम सही चल रही है, फर्स्ट क्लास चल रही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी के लिए ना अपन को और भी सामान चाहिए, तो सभी सामान अपन लोग जेवेट शॉप से खरीद के लाने वाले हैं, क्योंकि जो फ्रूट वगैरह जो लाना था वो तो अपन लोग लेके आ चुके हैं। वैसे ये इधर कहाँ पे रहेगी यार, इसका पता ही नहीं था मेरे को, एक और अपने पास टोपली पड़ी हुई है, इसको इधर ही रख देते हैं। कहाँ पे रखेंगे पता है तुम लोगों को, इधर रख देते हैं साइड पे। चलो अभी के लिए अपन लोग जाते हैं जेवेट शॉप पे और चीज़ों को खरीद के आते हैं। डिक्की को बंद करना होगा और आई थिंक यहाँ तक मुझे लगता है इस वीडियो को ना अपन को यहाँ पे ही एंड करना होगा। आई होप आपको गाइज ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन भी दबा देना इसी और वीडियो के लिए। देखो Part 3 जो है ना, इसका Part 3 अभी बहुत ही जल्दी आने वाला है, जिसके अंदर आप लोग फ्रिज खरीदेंगे एंड उसके अलावा भी और भी बहुत सारी एपिक चीज़ें करेंगे। बट अगर आप लोगों को Part 3 देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल वाला आइकन दबा के रखना, ताकि जब भी मैं ट्रेडर लाइफ सिमुलेटर का Part 3 डालूँ, इस गेम का Part 3 डालूँ, तब आपको नोटिफिकेशन मिले और आप देख सको। और हाँ, इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक Part 1 नहीं देखा था तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, तो आप लोग जाके Part 1 पहले चेक कर लेना, ये बहुत सही वाली गेम है, मुझे तो मज़ा आ रहा है। बाकी तुम लोग कमेंट करके बताओ तुम्हें मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है।